नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सिटी वेब में आपका स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए सहारनपुर की कुछ खास खबरें हेडलाइंस के साथ। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी कार्यवाही। माँ काली के सच्चे भक्त की धूमधाम से मनाई गई जयंती। गंदगी से परेशान डेरा इलाहीपुरा के क्षेत्रवासी नगर आयुक्त से मिले। किसानों की समस्याओं को लेकर शहरी विधायक से मिले कांग्रेसी। जेवीजैन कॉलेज में आयोजित की गई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। चित्रकला के माध्यम से दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। डेयरी संचालकों पर मुकदमे के बाद धरने पर उतरे परिजन। दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक सवार को बचाने में रोडवेज बस पलटी। गंगू रोड पर दो बाइकों की भिड़ंत में हुई महिला की मौत। दिल्ली वैलीगढ़ हिंसा के बाद सहारनपुर पुलिस पर शासन रही अलर्ट। हेडलाइंस के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के कुछ खास समाचारों पर विस्तार से। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट एवं माहौल खराब करने वालों पर पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि कुछ अराजक व सामाजिक तत्वों द्वारा इन वीडियो एवं फोटो की प्रतिक्रिया स्वरूप अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अफवाह पर कोई ध्यान न देने तथा अफवाह फैलाने वाले लोगों की तत्काल पुलिस को सूचना देकर पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। दादा विहार स्थित सिद्धपीठ श्री वैष्णवी महाकाली मंदिर में मंगलवार को श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। मौके पर स्वामी कालेन्द्रानंद महाराज ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली के सच्चे भक्त थे। माँ काली उनकी भक्ति से इतनी प्रसन्न थी कि उनके सामने आकर बात किया करती थी। और रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में ऐसे संत हुए जिन्होंने इतनी शक्ति इतना तप किया कि माँ भगवती महाकाली साक्षात उनसे बातें करती थी, उनके हाथ से भोग स्वीकार करती थी और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ जो संसार का कार्य है, जगत का कार्य चल रहा है, वो साक्षात विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं। वार्ड 34 के अंतर्गत पड़ने वाले मोहल्ला डेरा इलाहीपुरा के क्षेत्रवासियों ने गंदगी को लेकर रोष जताया है। क्षेत्र की पार्षद गीता चौहान के प्रतिनिधि दिग्विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में क्षेत्रवासी नगर निगम पहुंचे और एक ज्ञापन नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को सौंपा। उन्होंने इन डेरियों को शहर से बाहर किए जाने की मांग उठाई। मैं दिग्विजय सिंह चौहान, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 34, मेरे क्षेत्र के डेरा इलाहीपुरा में डेरियों की भरमार है जिसके कारण पूरे वार्ड की नालियाँ और सीवर चौक हो चुकी हैं और उन नालियों का जो गंदा पानी वो सड़कों में गया है। डेली सुबह हमारे सफाई कर्मचारी उन नालियों को साफ करते हैं, साथ के साथ वो फिर भर जाते हैं। अब स्थिति है वहाँ से क्षेत्रवासियों को उन सड़कों पे नालियों पे निकलना भी दुश्वार हो चुका है। ये कई बार बोर्ड की मीटिंग में भी इस विषय को उठाया और आपका ये पास हो चुका कि डेरिया बाहर जानी चाहिए नगर निगम क्षेत्र से। माने नाले का भी आदेश है कि डेरिया नगर निगम क्षेत्र से बाहर जानी चाहिए। उसके बावजूद भी कुछ लोग उस पर राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत हमारा जो स्वच्छ सहारनपुर होना चाहिए उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो ये आपकी डेरिया है और हम आज नगर आयुक्त महोदय से मिले हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि जो वहाँ महामारी फैल चुकी वहाँ गोबर के ढेर चारों तरफ है उन्हें साफ रखे से वहाँ के आम जनता को निजात मिल सके। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शहर विधायक संजय गर्ग से उनके आवास पर मिले। शहर विधायक को 8 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से समस्याओं के समाधान की मांग की। किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन है जिससे ग्राम पंचायत स्तर तक अधिक से अधिक किसानों से उनकी समस्याओं एवं समाधान के मांग पत्र भिजवाए गए हैं। इसमें प्रदेश के किसानों ने निम्न समस्या बताते हुए उनके समाधान की अपेक्षा की है। इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि अन्नदाता किसानों की निम्न समस्याएं मांगो को विधानसभा में उठाने, मुद्दा बनाने एवं उन्हें हल करवाने में सहयोग। जेवीजैन कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग द्वारा लिखित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में करीब 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अर्थशास्त्र की विभागाध्यक्ष सीमा मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थियों को 2 मार्च को पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ अर्थशास्त्र विभाग में प्रवक्ता हूँ और आज यहाँ पर हमने अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभागिता की है और इस प्रतियोगिता का आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में जागरूकता है।
जिला प्रशासन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मिशन कंपाउंड स्थित सेंट मैरी एकेडमी में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसपी सिटी विनीत भटनागर, जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा त्रिपाठी, जिला महिला कल्याण अधिकारी नेहा शर्मा, प्रोग्रेसिव स्कूल सोसाइटी के संयोजक सुरेंद्र चौहान, महासचिव सुधीर जोशी एवं प्रधानाचार्य फादर तरसिस ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इन दिनों सहारनपुर डेयरी संचालक संघर्ष समिति के आह्वान पर डेयरी मालिक नगर निगम द्वारा पशु डेयरियों को शहर से बाहर निकाले जाने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को तीसरे दिन धरना प्रदर्शन के चलते कुछ डेयरी संचालकों पर मुकदमे दर्ज किए गए। इसी के चलते मंगलवार को धरना स्थल पर डेयरी संचालकों के परिजन मैदान पर आ डटे और उन्होंने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। कल फिर एक दबाव बनाने का काम किया। 13 तारीख को तो हमने निगम में प्रदर्शन किया था गौ माता के साथ। उनका कहना कि हम गौ माता को उत्पीड़ित कर रहे थे, मारने पीटने काम कर रहे थे। भाई अगर ये उत्पीड़ित करने का तरीका है, हम सबके घर पांच पांच सात सात बीस बीस गाय हैं, भाई फिर तो फांसी दे दो। आज सुबह करीब 11 बजे सहारनपुर डिपो की एक रोडवेज बस सहारनपुर बस स्टैंड से शामली के लिए चली थी। दोपहर करीब 12 बजे जब उक्त बस ननोता संजय चौक से करीब 2 किलोमीटर पीछे पहुंची तो बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे खुद ही खाई में जाकर पलट गई। कार में सवार करीब 40 से अधिक सवारियां हल्के रूप से घायल हुई, जबकि मौके से चालक व परिचालक फरार हो गए। अब्दुल सत्तार, आप गाड़ी में थे जी? कहां जा रहे थे आप? शामली सहारनपुर से शामली जा रहे थे जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? किराना किराने के रहने वाले हैं जी। तो जब गाड़ी पलटी आपको कहाँ चोट लगी? सारे शरीर में चोट है। थाना तीतरो क्षेत्र के गांव बहलोलपुर निवासी यशपाल सिंह अपनी पत्नी सुदेश रानी के साथ बाइक पर खरीदारी करने के लिए ननौता आए थे। दोपहर करीब 3 बजे गांव वापस लौटते समय उनकी बाइक जैसे ही गंगो रोड स्थित रूहाड़ा पुल के निकट पहुंची तो पीछे से तेज गति से आ रही बाइक सवार दो लोगों ने जोरदार टक्कर यशपाल सिंह की बाइक में मार दी। हादसे में सुदेश देवी की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट एवं माहौल खराब करने वालों पर पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि कुछ अराजक व सामाजिक तत्वों द्वारा इन वीडियो एवं फोटो की प्रतिक्रिया स्वरूप अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अफवाह पर कोई ध्यान न देने तथा अफवाह फैलाने वाले लोगों की तत्काल पुलिस को सूचना देकर पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। सिटी वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और हमारी हर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।